पुतरातू थाना क्षेत्र के हफुआ गांव के चरका पत्थर टोंगरी निवासी मुन्ना भुइया के हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुतरातू SDPO डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्याकांड में मुन्ना भुइया की पत्नी रेखा देवी और उसके प्रेमी रामकिशुन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SDPO ने बताया कि बीते 21 अप्रैल को हफुआ में मुन्ना भुइया पर नकाबपोश लोगों द्वारा हथियार से जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मुन्ना भुइया को पुतरातू CHC अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां से उसे रिम्स रेफर किया गया और वहीं इलाज के दौरान मुन्ना भुइया की मौत हो गई। रिम्स अस्पताल में मुन्ना भुइया की फर्द बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया, जांच हुई और इस क्रम में मृतक मुन्ना भुइया की पत्नी रेखा देवी और उसका प्रेमी रामकिशुन भोक्ता पकड़े गए और इन दोनों के बीच अवैध संबंध की बात सामने आई। आदमी ने जानलेवा हमला किया, इसकी सूचना पाकर के थाना प्रभारी पूरे दलबल के साथ पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद देखा कि ये सचमुच में बहुत बुरी तरह से घायल है, तो उनको उठा करके लाए यहाँ पे पुतरातू CHC में एडमिट करवाए। उसके बाद यहाँ जवाब देने के बाद उनको जल्दी से जल्दी रिम्स ले जाने की प्रयास की, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इसका घटनास्थल पर हम स्वयं पहुँचे और लोग सब जाँच पड़ताल किए और इसमें पता चला कि इनकी जो पत्नी है मनोज भुइया की पत्नी, ये एक व्यक्ति से मुझसे नाजायज संबंध रखते हैं और आज से नहीं बहुत लंबे समय से था और इसी कारण से पति पत्नी में झगड़ा होता ही रहता था। तो ये जो इसका प्यार करने वाला लवर जो है वो और ये दोनों मिल करके इसको मारने का प्लान बनाया और उस दिन अपना नकाब वगैरह पहन करके छुरा एक लेके आया था और उसको छुरा से 3-4 जगह पर मारा, जिसके कारण से वो काफ़ी घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोगों ने छानबीन करके पूरे अनुसंधान में हम लोगों ने पकड़ लिया और ये अपना कन्फेशनल में अपना स्वीकार किया कि हाँ हम लोग ऐसी ऐसी बात है, इस कारण से हम लोग इसको मार दिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।